नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर शालिनी आले होम्योपैथी कंसल्टेंट आप सभी का मेरी हेल्थ केयर चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं अनकॉन्सियसनेस के बारे में, बेहोशी के बारे में। तो दोस्तों बेहोशी कब आती है पेशेंट को? बेहोशी तब आती है जब वो किसी दुख में हो, किसी शोक में हो, किसी पीड़ा में हो और यदि उसे किसी चीज़ का घातक आघात पहुँचा है, उसके मानसिक कोई टेंशन हो, कोई तनाव हो जिसे वो किसी को नहीं बता पा रहा है और अचानक से कोई सदमा लग गया है, तो इस कंडीशन में पेशेंट को बेहोशी आना लाजमी होता है। तो इस कंडीशन में आपको क्या करना है कि आपको घबराना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आपके घबराने से आपका पेशेंट भी घबरा सकता है और उसकी कंडीशन और भी बद से बदतर हो सकती है। तो इस कंडीशन में आपको क्या करना है कि सबसे पहले पेशेंट के आजू बाजू जितनी भी भीड़ हैं उसको हटाना है, ना कि बढ़ाना है, उनको हटा दीजिए ताकि उसको प्रॉपर मात्रा में खुली हवा मिल सके। और जितने भी आपके खिड़की दरवाजे हैं घर के वो खोल दीजिए और उसे ढीले कपड़े, उसका कपड़ा ढीला कर दीजिए या ढीले कपड़े पहना दीजिए। साथ में उसे हल्के पानी, जो ठंडे ठंडे पानी होते हैं, उसके छींटे उसके मुंह पे मारिए ताकि वो अनकॉन्सियसनेस से बाहर आने में उसे छुटकारा मिल जाए। तो इसके लिए हम होम्योपैथी मेडिसिन बहुत ही बेस्ट मेडिसिन है, इसमें बहुत ही अच्छी अच्छी मेडिसिन होती हैं। तो सबसे पहली हमारी मेडिसिन हम यूज़ कर सकते हैं वो है, दोस्तों यदि किसी पेशेंट को अत्यधिक दुख के कारण अनकॉन्सियसनेस आ गया हो, बेहोशी आ गई हो, तो आप उसे दीजिए इग्रीसिया 30 को एक दिन में दो बार सुबह और शाम, इसकी 4-4 पिल्स। तो इस मेडिसिन के देते ही पेशेंट को बहुत अत्यधिक आराम मिल जाएगा, उसकी बेहोशी की हालत ठीक हो जाएगी। अब नेक्स्ट मेडिसिन जो है हमारी दोस्तों वो है कैमोमिला 30 या 200 पोटेसी भी दीजिए, इसको भी सुबह शाम दीजिए, इसके 4-4 पिल्स। इसको आपको तब देना है जब पेशेंट को अत्यधिक क्रोध के कारण, गुस्सा के कारण बेहोशी आ गई हो या फिर किसी भी मानसिक पीड़ा के कारण बेहोशी आ गई हो, तब आप यूज़ कीजिए। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरे इस वीडियो से बहुत ही लाभ प्राप्त हुआ होगा। तो मिलती हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार, अपना ख्याल रखिए।